जनाब ईसा उल मसीह मजीद कहानी सुना गए तालीम दे। जनाब ईसा उल मसीह खुदा की बादशाहत के बारह माह खासी और कहानी भी सुनावे। मिसाल का तौर पर उन्होंने क्योंकि खुदा की बादशाहत एक रिहाई के बीच की मानद है। जड़ा नी अपनी खेत मां लायो तम जानी ही कि रिहाई गो बीज सारा तू निको बीज है। लेकिन जिस कड़ी रिहाई गो बीज अगे है ते सारी खेत का बूटा मां सारा तू बड़ो हो जाए है। इतनू बड़ो कि परिंदा आके उसकी शाखा मां आराम करी। जनाब ईसा उल मसीह एक और कहानी सुनाई कि खुदा की बादशाही उस खमीरा की मानद है जड़ो एक औरत ना आटा मां मिला के गुंती है और फिर वो सारो आटा मां फैल जाए है। खुदा की बादशाही किस खेत मां किस के छुपा भी खजाना की मानद है। इसे शकिश ना वो खजानू मिल गयो और वो उसनी दोबारा खेत मां छुपा दितो। वो उस कदर खुशी नाल भरे गयो कि उसनी अपनू सारो कुछ बीज सट्यो और उस पैसा नाल जाके वह खेत खरीदी। खुदा की बादशाही एक ना यब और पेश कीमती की मानद है जड़ो वो मोती एक मोती या गै शिवा ग्राणु मिलो ते उसनी अपनो सारो कुछ बीज गै उन सारा पैसा नाल उसना खरीद लियो। फिर जनाब ईसा उल मसीह एक कहानी उन लोका ना सुनाई जड़ा अपना अमाला सहला वर इमदाद करी था और दूजा लोका ना फिकिर समझाया था। उन्होंने क्यों दो आदमी बदल मुकदस मां दुआ करन गए वास्ते गया। उन बिचू एक ते महसूस लेने आलो गुनेगार दूजो एक मजहबी रहनुमा थो। मजहबी रहनुमा ने इसरा दुआ करी खुदावन तेरो शुक्र है कि हूं दूजा गै हरू एक गुनेगार नहीं हां जिसरा की डाकू जुलुम जनाकार और ना ही इस सूद लेना आला कह हरू हां। हूं हफ्ता मां दो बार रोजा रखू हां और अपनी सारी आमदनी और माल का 10% तिना दू हां। लेकिन सूद लेने आलो मजहबी शकिश तू खासो दूर हलो रियो और इत तोड़ी की आसमान की तरफ निगाह भी ना करी। इसके बजाय वो अपनी मिट्टी नाल अपने छाती मारतो और दुआ करतो रियो ए खुदा बराए मेहरबानी मेरा वर रहम फरमा क्योंकि हूँ गुनेगार हाँ। फिर जनाब ईसा उल मसीह नी क्यों हूँ तमना सच कू हाँ खुदा नी सूद लेन आला की दुआ सुनी और उसना रियासत बाज करार दितो। लेकिन उसनी मजहबी रहनुमा की दुआ ना पसंद नी करी। खुदा हर अजर ना राम करे गो और हर मकफरत को सिर बुना करे गो। मती 31 तू 13 मार्क 18 तू 13 लूका तू ले गए बाइबल की ये कहानी।